हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में काफ़ी सारी न्यूज़ेस निकल कर आई है टाटा मोटर्स में उसके बारे में तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी जैसे कि आप देख सकते हैं कि फ्राइडे के दिन आ, टाटा मोटर्स ने क्लोजिंग दी थी थ्री सेवनटीन रुपीज़ फिफ्टी फाइव पैसे पर इसने क्लोजिंग दी थी और अगर हम परसेंटेज में बात करें तो वन पॉइंट वन फाइव परसेंट की तेज़ी देखने को मिली थी जबकि मार्केट जैसे कि आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में जो है वन पॉइंट लगभग वन परसेंट की गिरावट देखने को मिली थी और निफ्टी में भी जो है जीरो पॉइंट टू सिक्स परसेंट की गिरावट देखने को मिली थी फ्राइडे के दिन लेकिन टाटा मोटर्स में इसमें तेज़ी देखने को मिली जैसे कि आप देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स ने ओपन किया था थ्री हंड्रेड थर्टीन रुपीज़ ट्वेंटी पैसे पर ओपन हुआ था और हाई लगाया था थ्री ट्वेंटी फाइव रुपीज़ हाई लगाया था और ये लो लगाया है थ्री ट्वेल्व रुपीज़ फिफ्टी पैसे पर लो लगाया है ठीक है जैसे कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी उतार चढ़ाव था दिन भर फ्राइडे के दिन आ, जो है टाटा मोटर्स में और आ, मार्केट में काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं कि ये दोबारा से लॉकडाउन हो सकता है करके वो सोच रहे हैं जिसकी वजह से काफ़ी कंफ्यूजन का माहौल देखने को मिल रहा है मार्केट में जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना के केसेस भी बढ़ चुके हैं जिसकी वजह से पैनिक पानि, का माहौल बना हुआ है लेकिन ये टाटा मोटर्स जो भी होल्ड करके हैं जैसे कि जो जो निवेशक ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं उन्हें मैं सजेस्ट करूंगा इसे होल्ड करके चलिए क्योंकि फ्यूचर में आपको जो है इस इसका अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा उसके बारे में भी मैं इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने की कोशिश करूंगा पहले तो हम चार्ट पे देख लेते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा था और इसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रिवर्स कैंडल बना है ग्रीन कैंडल जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे वी वैप का इंडिकेटर यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेड में कन्वर्ट हो चुका है ग्रीन यहाँ पे ग्रीन था इसके बाद यहाँ पे रेड में कन्वर्ट हो चुका है अगर यहाँ से थ्री थ्री ट्वेंटी सेवन के ऊपर जाता है अगर टाटा uh, मोटर्स तो इसमें आपको uh, गजब की तेज़ी देखने को मिलेगी इसके बाद में आपको थ्री फिफ्टी भी टारगेट देखने को मिल सकता है जल्द से जल्द ठीक है तो चलिए न्यूज़ेस देख लेते हैं क्या है उससे पहले हम इंडिकेटर दे के बारे में बात कर लेंगे यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव हिस्टोग्राम बनाया है और यहाँ पे ये क्रॉसओवर के लिए वेट कर रहा है टाटा मोटर्स और यहाँ हम आर के बारे में बात करें तो ये आर एस है जो कि एक माध्यम से देखा जाए तो ये पॉजिटिव है और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि विलियम परसेंटेज भी ओवर बॉड की जोन में एंटर हुआ है लेकिन ओवरबॉड हुआ नहीं है तो मुझे लगता है कि इसमें तेज़ी बरकरार रह सकती है क्योंकि काफ़ी न्यूजेस निकल कर आ रहे हैं टाटा मोटर्स में उसके बारे में भी जानकारी हम देंगे जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टाटा नेक्सॉन सी वी क्रॉसेस फोर यूनिट सेल्स माइलस्टोन सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये टाटा के टाटा कंपनी के लिए एक अच्छी न्यूज़ है और टाटा के शेयर होल्डर्स के लिए भी अच्छी न्यूज़ है टाटा नेक्सॉन के है, जो है फोर uh, थाउजेंड यूनिट्स की बिकवाली uh, हुई है जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है और ये प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट हो सकता है जैसे कि आप देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स हैज़ रजिस्टर्ड इट हाइस्ट एवर मंथली एंड क्वार्टरली ई सेल्स ऑफ फाइव सेवन जीरो फाइव यूनिट्स एंड 1711 यूनिट्स इन मार्च 2021 थाउजेंड एंड फोर को रेस्पेक्टिवली सो इन्होंने बताया है कि इस इसमें जो है काफ़ी सारी बिकवाली देखने को मिली है आ, सेल्स अच्छा गया है करके बता रहे हैं और दूसरी न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये अप्रैल नाइन्थ की न्यूज़ है सीवी रिटेल सेल मार्च ट्वेंटी वन टाटा मोटर्स मेनटेन लीड विथ 43 थ्री परसेंट मार्केट शेयर तो जैसे कि आप देखते हैं देख सकते हैं कि कमर्शियल व्हीकल uh, के अंदर भी जो है uh, काफ़ी अच्छा ये सेल uh, देखने को मिल रहा है जैसे कि आप देखते हैं कि कमर्शियल व्हीकल जो ट्रांसपोर्ट हमें uh, uh, को, को, कोई कैब प्रोवाइड uh, करता है उसके लिए कमर्शियल व्हीकल्स टाटा मोटर्स के कई कमर्शियल व्हीकल्स हैं तो इसमें से ये एक व्हीकल है उसमें भी काफ़ी अच्छा सेल देखने को मिला करके बता रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस ये आ, ये जो है परसेंटेज में भी सबसे ऊपर है टाटा मोटर्स उसके बाद आता है महिंद्रा अशोक लेलैंड सो बिकवाली में यानी कि प्रॉफिट और ग्रोथ में भी जो है अगर हम बात करें तो टाटा शेयर जो है लीडिंग में है ठीक है और एक एक आ, अच्छी न्यूज़ के बारे में बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये न्यूज़ भी आ, आ, कल निकल कर आई है जैसे कि आप देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स टू लॉन्च सी एन जी पावर्ड वर्जन ऑफ टयागो एंड टेगोर तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि सी एन जी मॉडल निकालने की आ, आ, का जो है डिक्लेरेशन दिया है टाटा मोटर्स आ, ने जैसे कि आप जानते हैं कि ये फ्यूल प्राइसेस, डीजल प्राइसेस, ये पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से एक नई अपॉर्चुनिटी है दूसरे सेक्टर में जाने के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि सी का एक वेरिएंट जो है टाटा टेगो एंड टागा टाटा टेगोर में निकाल रहे हैं टाटा मोटर्स ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है क्योंकि ये कस्टमर्स को ज़्यादातर अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे यहाँ पे जो कस्टमर्स व्हीकल लेने के लिए सोच रहे हैं उन उन्हें एक तरीके में इनक्रेज करके परचेज करने के लिए गाइड करेगा और जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर भी फोकस कर रहा है और इसमें भी प्रोडक्शन चालू कर चुका है तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है टाटा मोटर्स के लिए अगर आपका विजन जो है एक साल दो साल के लिए है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको इस पर्टिकुलर शेयर में निवेश करके ही रहिए होल्ड करके चलिए क्योंकि इसमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिले मिलेगी मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको ये अमाउंट थ्री सेवेंटीन से जाकर थाउजेंड रुपीज़ या टू थाउजेंड हो जाएगा लेकिन इसमें आपको ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है क्योंकि एक पॉजिटिव एक न्यूज़ के बारे में बात करें तो ये कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली uh, ये फ्यूचर में जो है अपनी व्हीकल uh, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर करते हैं उन्हें जो है एक प्राइवेट uh, अपनी पर्सनल कार uh, uh, जो है लेने में इंटरेस्ट होगा जिसकी वजह से मार्केट में ये पर्टिकुलर शेयर का प्राइस और भी बढ़ सकता है तो ये लॉन्ग टर्म का विज़न अगर आप रखते हैं तो इसमें निवेश करके ही रहिए और इसमें ज़बरदस्त आपको तेज़ी देखने को मिलेगी और जैसे कि आप जानते हैं कि राकेश झुंझुना वाला ने भी इसमें जो है निवेश किया है और इन्होंने टाटा के तमाम प्रोडक्ट के ऊपर एक पॉजिटिव व्यू दिया है कि ये टाटा के प्रोडक्ट्स पूरे जो है आसमान को छू सकते हैं आसमान के रेट को छू सकते हैं करके इन्होंने अपना व्यू दिया था तो मेरा भी यही व्यू है जो झुंझुनवाला जी का व्यू है ना वही मेरा व्यू है ये पर्टिकुलर शेयर में आप ज़रूर निवेश करके रहिए आपको जरूर ज़रूर आपको जो है इसमें रिटर्न देखने को मिलेगा अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा ठीक है ये ये पर्टिकुलर वीडियो आपके नॉलेज के लिए था कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर ही इन्वेस्ट करिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आपका समय देने के लिए धन्यवाद